थे बस 2010 वाला आराम से इजी वे में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो भाई साहब, डायग्राम तो जहाँ लेबल होगा जरूर बनेगा। देखो हिंदी मीडियम वाले सुन लो पहले। समान तीव्रता आइनोड के दो कला संबंध स्वरों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में माध्य तीव्रता, माध्य बोले तो टू आइनोड, माध्य बोले तो एवरेज, एवरेज एवरेज कितनी हो जाएगी भाई साहब, टू आइनोड। बोलो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस, एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है भाई इंटरफेरेंस में, एवरेज कितनी होती है टू आई नॉट, कितनी होती है टू आई नॉट, एवरेज टू आई नॉट। और अगर कंस्ट्रक्टिव हो, जिसको संपोषी बोलते हैं हिंदी में, कंस्ट्रक्टिव हो संपोषी हो तो कितना होता है फोर आई नॉट, और विनाशी हो तो कितना होता है जीरो। इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, खतरनाक बच्चे भाई। चलो आगे चलते हैं। ओ हो, ये खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई। एल वे उपकोष में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का व्यंजक होगा। ओहो, द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन एल्थ सब सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कृपया, ये हमारे इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, हम आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन ये है कि कंडक्शन इन, ओ हिंदी मीडियम वाले फटाफट कर लेंगे भाई, अर्धचालकों में चालन होता है द्विध्रुवीय। इंग्लिश मीडियम वाले कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज बाईपोलर, बाईपोलर बाईपोलर बाईपोलर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिंदी मीडियम वाले सुन ले। उच्चतम भेदन क्षमता की तरंग, भेदन क्षमता खतरनाक होनी चाहिए भाई साहब। भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होगी, जिसकी ऊर्जा कम होगी, किसकी कम होती है। नंबर से चलते हैं ऊपर से, गामा, गामा के बाद में क्या थी एक्स, एक्स के बाद में क्या थी यूवी, यूवी के बाद में विजिबल बोले तो दृश्य दिखने वाली, अच्छा उसके नीचे आती है भाई साहब अवरक्त बोले तो इंफ्रारेड, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा अवरक्त बोले तो इंफ्रारेड। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित क्यों नहीं होता है, वाई इज द फिनोमिनन ऑफ पोलराइजेशन इज नॉट ऑब्जर्व इन साउंड वेव। ओहो, ये तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का आ गया, ये आ गया भाई साहब चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, आप लोगों की नोटबुक में पूरा लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि देख पहले हिंदी मीडियम वाला सुन लो। ध्वनि तरंगों में सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि ध्वनि तरंगों की जो तरंग धैर्घ्य होती है वो आप लोगों को सबको पता होगा ज़्यादा होती है, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है कम होती है। ज़्यादा तरंग धैर्घ्य की तरंगे होती है अपन लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और आप लोगों को पता होगा विवर्तन के बारे में अपन बात करते हैं कि इनकी तरंग धैर्घ्य ज़्यादा होती है इसलिए इनका विवर्तन होता रहता है, तो इनका ध्रुवण नहीं होता क्योंकि इनकी तरंग धैर्घ्य क्या होती है ज़्यादा होती है। वही इधर वाले पोलराइजेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन साउंड वेव, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या होती है ज़्यादा होती है, किनकी बोले तो साउंड वेव की, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम है, तो प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या। ओहो, इसी क्वेश्चन पूछेगा क्या बच्चे दौड़ी अपन लोग। हाइड्रोजन की तृतीय कक्षा की बोले तो फॉर्मूला क्या होता है आर एन इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और क्या होता है बोलो जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो समझ गए आप लोग तृतीय कक्षा की है तो प्रथम कक्षा की सबको पता है भाई, बच्चे बच्चे को पता है। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ये है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम, रोने को जरूरत नहीं है। राइट द नेम ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नए अर्धचालक की क्रिस्टल संरचना का नाम लिखिए। अब क्या होता है याद रखना रटके, ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, याद रखना रटके, फिर बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले सुन ले। याद करो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल सम चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल सम चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल सम चतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो, पांचवा तो वैसे ही सिलेबस में ही नहीं है, ये भी अपने बोर्ड में आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, प्रकाश के व्यतिकरण में विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। सबको बता रखा है, इंपॉर्टेंट में बता रखा है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सा इसका आंसर है, सबको पता है। इधर डबल स्लिट होता है, उधर सिंगल स्लिट होता है, उसकी इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता निरंतर रहती है, और इसकी इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता लगातार घटती जाती है। उसके अंदर जहाँ मैक्सिमा आता है वहाँ इसके अंदर मिनिमा आता है। चलो वो भी हो सकते हैं पर अपन तो यहाँ तक ही चलते हैं। चलो ओहो, क्वेश्चन नंबर 7 सिलेबस में नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 8, समान दी ब्रोगली तरंग देरी के लिए अल्फा कणों प्रोटोन को त्वरित करने के विद्युत विभव वी अल्फा वी पी का अनुपात ज्ञात करो। तरंग लेमडा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी अल्फा कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यार।
लेमडा का फॉर्मूला अगर मैं अल्फा का लिखूंगा, देखो डाटा याद रखना आप लोग, जिनको नहीं है तो वो डाटा याद रखना, इसका फॉर्मूला था एच अपॉन रूट टू एम, या किसका जगह अल्फा की बात करें तो अल्फा का, और क्यू बोले तो किसका जगह अल्फा का, और पोटेंशियल। चलो अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, एच अपॉन रूट टू एम पी, और चार्ज हो किसका जाएगा प्रोटॉन, और क्या जाएगा वी, दोनों इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे रेशियो बोले तो क्या निकालेंगे अनुपात। तो ध्यान से देखो ये टू एम्पीयर क्यूपीयर भी ऊपर जाएगा, वी से वी कटेगा, टू से टू कटेगा, एच से एच कटेगा, सारे कट जाएंगे भाई साहब। एम अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान होता है 4 MP, 4 MP नीचे का 4 का रूट कितना निकल जाएगा भाई साहब, सबको पता है 2 निकल जाएगा, 4 का रूट कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। अच्छा ऊपर वाला जो पोटेंशियल बोले तो विभव किस पार्टिकल का है, अल्फा का, नीचे वाला किस पार्टिकल का, प्रोटॉन का। अभी डिवाइड करते हैं तुरंत प्रभाव से, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, ओल्यो अभी करते हैं, टेंशन लेने को जरूरत नहीं भाई, अभी करते हैं, निकालेंगे आंसर याद रखना है कृपया। लेमडा अल्फा अपोन लेमडा पी, अच्छा इसमें आ जाएगा ऊपर आएगा रूट टू एम पी, और इसका चार्ज कितना होता है ई और वी पी, और नीचे क्या बोलो रूट टू इंटू 4 MP इंटू टू ई और वी एल्फा। चलो ये दोनों कट गए, लेमडा अल्फा लेमडा पी सेम है कट गए, चलो सब टू से टू कट गया, एमपी से एमपी कट गया, ई से ई कट गया, अच्छा कुछ भी नहीं बचा, इधर क्या बच गया अपने पास 1/1 इक्वल टू ऊपर केवल और केवल रूट वी पी बच गया भाई साहब। नीचे देखो क्या मामला हो गया, रूट में क्या बच गया 4 2 8 और क्या बच गया बोलो वी अल्फा, स्क्वायर कर लो इसका, स्क्वायर करोगे तो ये 1 और ये क्या है वी पी, और नीचे क्या है 8 और क्या है वी अल्फा। अब आप वी अल्फा को इधर लाओगे तो वी अल्फा अपोन वी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 1/8, फिर बोल रहा हूँ भाई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, चलो देखते हैं कहाँ मिलता है, आगे चलें। ओ हो क्वेश्चन बनो, ये सारे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पेपर ही आ रहा क्या अभी पता चल रहा मेरे को तो। अच्छा ये सबको पता है भाई, याद होगा ग्राफ, ये होता था हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो अंतक विभव, और इधर तो थी फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति, दो ग्राफ बनाए थे याद करो, बच्चे बच्चे को याद हैं। इनके स्लोप बोले तो ढाल, क्या आता था एच अपोन ई, वैल्यू कितनी होती 4.14 × 10^-15, सबको पता भाई साहब। ये तो बोल रहे हैं प्रकाश लांग नियतांक मान ज्ञात करेंगे, नामांकित चित्र बने, चित्र बने नहीं है केवल वक्र हैं, वक्र बना दिया, ग्राफ बना दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन क्यों लग रही मेरे को आ ही रहे हैं। नाभिक के बल की कोई दो विशेषताएं लिखी, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियोनों के बीच लगने वाला बल यह बहुत ही कम परास का होता है, यह ना आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ चार्ज, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ओहो क्वेश्चन नंबर 11 तो अपने है ही नहीं था। चलो आगे चलते हैं, 12वीं की बात कर लेते हैं। द्विनिवेशी और द्वार, द्विनिवेशी एंड द्वार के प्रयोग में निर्गम एक, पता है सबको निवेशी संकेतों की दो अवस्थाएं लिखी, दोनों द्वार में निर्गत संकेत समान प्राप्त हो, जब दोनों द्वार में निर्गत संकेत समान प्राप्त हो, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, टू इनपुट और गेट, ठीक है ये लो साहब ये और गेट बना दिया, ये लो भाई साहब टू इनपुट यानी ए लगा दी बी लगा दी, और इधर क्या बना देंगे वाई बना देंगे, ये क्या बना देंगे वाई बना देंगे, और ये हमारा कौन सा गेट हो गया भाई साहब एंड गेट हो गया, इधर क्या बना देंगे वाई बना देंगे, इधर क्या हो गया हमारे ए इनपुट और बी इनपुट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, गेट एक्सपेरिमेंट्स हैव वन आउटपुट, अच्छा राइट द टू स्टेजेस ऑफ इनपुट सिग्नल्स वेन आउटपुट सिग्नल्स इज सेम फॉर बोथ द गेट्स, दोनों गेट के लिए आउटपुट सेम आनी चाहिए, ऐसी इनपुट लिखनी है भाई साहब। तो ध्यान से देखें, यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने वाई, मैं और गेट की बात कर रहा हूँ, बोलो पहले लिखूंगा मैं 0 0 तो इसका आंसर कितना आएगा 0, इधर मैं लिख रहा हूँ एंड गेट के लिए तो
बोलो एंड गेट में जीरो जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। देख लो सेम सेम आ रहा है दोनों में, इनपुट भी सेम और आउटपुट भी सेम। इसमें वन और वन, वन और वन कितना होता है वन, बोलो इसमें वन इंटू वन भी कितना होता है वन। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अलावा की जीरो वन वन जीरो वाले की, तो उनमें कतई सेम आने वाली नहीं है। याद रखना जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, ऐसे क्वेश्चन पूछता भाई गेट वाला। ओ क्वेश्चन नंबर 13 तो अपने है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन वेव थ्योरी, गिव नेसेसरी डायग्राम। याद करो, याद करो, आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी थोड़े दिनों पहले आया था, याद करो। अच्छा ये क्या मामला है, ये मामला खतरनाक भाई साहब, इस क्वेश्चन को करना थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी कर देते हैं धमाधम, लोड देने की जरूरत नहीं है। 10^-6 मीटर व्यास, बोले तो डायमीटर है भाई, ओल्ड डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी, इन्हें 10^-6 अपॉन कितनी होगी भाई साहब, 2 होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखी डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व है, रो 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 880.5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और दो प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस दे रखी 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मतलब 10^-3। अच्छा इसके बाद में ये, अच्छा इनके बिटवीन ये कांस्टेंट रहती है, रेस्ट में रहती है, मतलब स्थिर रहती है। और पोटेंशियल दे रखा है V=36। ओहो हो, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, विद्युत क्षेत्र, बोलो V=, क्या होता है E×D, तो E=, क्या हो जाएगा V/D, यानी 36/10^-3। सबसे पहले मैंने E निकाल लिया भाई, तो यहाँ से मेरे पास E आया, ये 10^-2 रह जाएगी, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, 36×10^2 हो गई। अच्छा ऊपर लगेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, नीचे लगेगा ग्रेविटेशन, बोले तो गुरुत्वाकर्षण, दोनों बराबर होने चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। अच्छा कैसे, क्या मामला होगा, सिंपल सा मामला है, mg=q into e। तो यहाँ से बताओ चार्ज q=, कितना आ जाएगा mg upon e। बोलो यहाँ m का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान, बोले तो मास, g की वैल्यू 10 होती है सबको पता है, e की वैल्यू आ रखी है। अच्छा मास कैसे निकलेंगे सर, ये भी हमारे जीवन में समस्या है। तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू आयतन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो चार्ज = क्या आ जाएगा, डेंसिटी यानी रो, घनत्व यानी रो, वॉल्यूम बोले तो आयतन यानी 4/3 πr³। जी की जगह टिकाओगे 10 और ई की जगह टिकाओगे 36×10^2। अच्छा फिर भी आप देख लेना, वैसे नहीं आ रहा ये क्वेश्चन, पता है अपने को, सबको पता है नहीं आ रहा। चलो 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 नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो 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 चलो, टाइप ऑफ एक्सरेज ऑफ 0.01 एंगस्ट्रॉम, नहीं है भाई नहीं है। ओहो ये 17वां क्वेश्चन है, बड़ा ईजी है ये, अपने डेरिवेशन है ना लास्ट के अंदर चैप्टर नंबर 12 में, ये बना देता हूँ एक बार ताकि आपको याद आ जाएगा। ये वाला था ना डायग्राम, याद है कुछ, फिर हम लोगों ने लिखा था कि 2πr=nλ, 2πr = क्या लिखा था, एन लेमडा। तो बोलो 2πr, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2πr, टोटल दूरी होगी 2πr, और मान लिया एन वेव बन रही है, तो एक वेव की दूरी कितनी होती है लेमडा, तो एन लेमडा होगी। अच्छा लेमडा डी ब्रोगली से जानते हैं क्या होता है, h/p। अच्छा तो बोलो इस p को मैं इधर ले आऊँ, तो pr = कितना हो गया, nh/2π। p मतलब कौन होता है, mv। r=nh/2π। अरे भाई साहब ये तो डी ब्रोगली देवता ने सेकंड दिया था, क्या परिकल्पना है, हाइपोथेसिस, तो ये तो सही होगी। कहाँ से लेके आए हम लोग, लाए हैं भाई साहब बोर की सेकंड पोस्टलेट, कहाँ से लेके आ गए, डी ब्रोगली से। ये खत्म डेरिवेशन इस पढ़ना, हाइजेनबर्ग का निश्चित अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओहो हो, ये फर्जी क्वेश्चन आ गया भाई, बिल्कुल फर्जी आ गया, बिल्कुल फर्जी आ गया। अरे क्या मामला हो गया, चलो इधर देखो क्या मामला, बहुत ईजी मामला है, कुछ ही नहीं है इसके अंदर। ये लो भाई साहब, δx×δp ≥ h/4π। चलो अडो, हाँ जी, कैथोड का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक सीजन लिपित क्यों होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वाई द कैथोड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज ऑफ लार्ज सरफेस, लार्ज सरफेस ज़्यादा क्षेत्रफल इसलिए लेते हैं ताकि ज़्यादा इंटेंसिटी आए अपने पास,
ज़्यादा लाइट आई अपने पास। और सीजीएम तो आप सब जानते हो, सीजीएम का कार्य फलन वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, बोले तो 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट रटा रटा है तैयार है। आज भी याद है बच्चे बच्चे को, प्लेटिनम का होता है 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। आज भी याद है 10^8 वोल्ट प्रति मीटर, पता करें क्या है ये, खुद देखे। चलो क्वेश्चन नंबर 19, थोरियम 227 की औसत आयु ये है, सक्रियता ये है, तो मात्रा ज्ञात कीजिए। एवरेज लाइफ ऑफ थोरियम ये है और एक्टिविटी ये है, तो फाइंड आउट द मास ऑफ थोरियम। ओ हो, इतना फर्जी किसी ने, भयंकर वाला। अच्छा एवरेज का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, सब जानते हैं भाई, 1/λ होता है। अच्छा और रेडियो एक्टिविटी बोले तो सक्रियता बोले तो आर, ये कितना हो गया भाई 37। रुद्रपोर्ड, रुद्रपोर्ड का मतलब 10^6 में चेंज कर लो, बाकी आ जाएगा। क्यूरियोर होता था ना 3.7 × 10^10 वाला तो क्यूरियो होता था, और 10^6 वाला ये होता था। ठीक है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इंटू एन। आर गिवन है, लेमडा यहाँ से निकल जाएगा, एन निकाल लेंगे। एन का मतलब क्या हो गया, सक्रिय नाभिकों की संख्या, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। बोलो एन का फॉर्मूला क्या बन गया, आर अपोन लेमडा। आर गिवन है, लेमडा गिवन है, ठीक है, क्योंकि लेमडा इक्वल टू 1/T हो जाएगा। एन निकल जाएगा, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, सक्रिय नाभिकों की संख्या। तो फिर आप लोग इसका मास बोले तो द्रव्यमान आराम से निकाल सकते, कैसे कि नंबर का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इन ग्राम में, मास इन ग्राम अपॉन द्रव्यमान संख्या, मतलब एटॉमिक मास नंबर इंटू अवोगाड्रो। तो यहाँ से मास आ जाएगा, ए तो ऊपर चला जाएगा एन ए, और अपॉन क्या आ जाएगा एन ए वाला। ये एन तो है सक्रिय नाभिकों की संख्या, एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव निकले, ए मास नंबर, एन ए मतलब अवोगाड्रो, ये मास आ जाएगा इसका ग्राम में। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है यार। ओहो, क्वेश्चन नंबर 20 में का पहला, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ये सारी क्वेश्चन सारे बोर्ड में आ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। ये तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, सबको पता है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर कौन करता है, जनरल डायोड। ये ऐसे बोल रहे हैं कि परत की मोटाई, अच्छा ये नहीं देता तो मैं ऐसे निकाल के दे देता, इसको देने की जरूरत कहाँ पड़ गई। ये दरा है पोटेंशियल की वैल्यू, बोले तो विभव की वैल्यू 0.36 वाट। और ई जो दे रहा है, ई दे रहा संधि पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड 1.8 × 10^2 किलो, किलो बोल रहा है किलो, किलो मतलब 10^3 और टिको। ओहो, वोल्ट पर मीटर। अरे एक बात बताओ, वी इक्वल टू ई डी होता है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन ई। तो वी की जगह लिखो 0.36 और अपॉन ई की जगह लिखो 1.8 × 10^3 और दो कितनी हो गई, 5। 5 में से एक कम हो गई यानी 4 बच गई, ठीक है। 18 से एक कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी आएगा 0.02 और 10^5 ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो d इक्वल टू आएगा 0.02 × 10^ ऊपर जाकर कितनी हो गई, -4 हो गई भाई, एक कम हो गई थी पॉइंट की वजह से। इधर बताओ इन पॉइंट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 × 10^-6। अभी इसको निकालने की जरूरत पड़ गई, बच्चे बच्चे को पता है अवश्य प्रत की चौड़ाई 10^-6 होती है, -6 से -8 विड्थ ऑफ डिप्लेक्शन लेयर 10^-6। इसमें तो कोई लोड ही नहीं था, फालतू दिमाग लगा ली। ओहो, हम लोगों को ओहो सिद्ध कीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति को कतई सिद्ध नहीं करना, अपने कुछ नहीं है सांस। अच्छा राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा फ्लक्स का सदिश सूत्र लिखिए। वो पॉइंटिंग वेक्टर था ना, पॉइंटिंग वेक्टर मिलेगा कहीं ना कहीं। ओहो, बीटा कण उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक कैसे परिवर्तित होता है, याद रखना ना, याद रखना बीटा प्लस होता है उसमें तो भाई साहब जेड क्या हो जाता है, -1, और बीटा माइनस में क्या होता है, जेड प्लस 1। ओहो, ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो अपने आगे है ही नहीं, आगे वाला पार्ट है ही नहीं, करते ही। ओहो, ये अपने केवल इतना है, कला समन स्रोत को परिभाषित कीजिए, आगे वाला अपने नहीं है भाई साहब। विवर्तन को परिभाषित कीजिए, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि में विवर्तन आसानी से क्यों होता है, ये भी है तो ये आपको पता है, उसके आगे वाला अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वो तरंग देरी ज़्यादा होती है, किसकी, ध्वनि वालों की। डिफाइन कोरेंट सोर्स सबको पता है, टाइम इंडिपेंडेंट वाला। प्रोड्यूस इन फेनल, ये कुछ नहीं है अपने फेनल वेनल। डिफाइन डिफ्लेक्शन है, और साउंड वेव में क्यों होता है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओहो, पीएन जंक्शन का निर्माण, ये तो आ रहा है।
करें क्या ये क्वेश्चन, ये अपने 24वें का दूसरा नहीं है भाई सिलेबस में, ये खत्म। और इस पेपर को कर लो भाई साहब, ये वो पेपर। चलो बहुत बढ़िया।